नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए आज के इस वीडियो में लाए हैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी एकीकृत पेंशन योजना। एक ऐसी योजना है जो सभी कर्मचारियों को एक समान पेंशन प्रदान करती है। चाहे आप सरकारी कर्मचारी हो या निजी क्षेत्र में काम करते हो, आप सभी के लिए इसको जानना बेहद जरूरी है। इस वीडियो में हम नई और पुरानी पेंशन स्कीम की पूरी जानकारी लेकर आए हैं, जिसमें हम एकीकृत पेंशन योजना UPS राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS दोनों में क्या अंतर है, दोनों में हमें किसको चुनना चाहिए, इसके साथ UPS के 5 स्तंभ अगले साल अप्रैल से लागू किए जाएंगे, क्या है वो 5 स्तंभ, इन सभी टॉपिक की सभी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आप इस टोटल फैक्ट्स फंडा चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए जानते हैं नई और पुरानी पेंशन योजना पर रार के बीच आज केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना UPS का ऐलान कर दिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि एकीकृत पेंशन योजना के तहत किन शर्तों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेंगे। पेंशन योजना UPS प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना UPS को मंजूरी दे दी। 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी इस योजना से 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि UPS कर्मचारियों की गरिमा और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। उन्होंने एक्सपर्ट पोस्ट किया कि देश के विकास के लिए कड़ी मेहनत करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर उन्हें गर्व है। एकीकृत पेंशन योजना UPS क्या है? केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना UPS शुरू की है, जो सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि और हाल ही में प्राप्त मूल वेतन के आधार पर एक स्थिर पेंशन प्रदान करती है। जानिए UPS से जुड़ी अहम बातें। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शनिवार को कई अहम ऐलान हुए। इनमें सबसे बड़ा फैसला एकीकृत पेंशन योजना UPS को लेकर रहा। सरकारी कर्मचारियों के लिए लाई गई इस योजना में कई बड़े ऐलान हैं। UPS की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें पुरानी पेंशन स्कीम OPS की तरह ही सरकारी कर्मियों को रिटायरमेंट के बाद औसत मूल वेतन की 50% राशि मिलेगी। हालांकि इसके लिए कई मानक और नियम भी तय किए गए हैं। UPS जानने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें। 1. सुनिश्चित पेंशन। 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों के लिए प्राप्त औसत मूल वेतन का 50%। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा तक यह मुआवजा कम सेवा अवधि के अनुरूप होना चाहिए। 2. सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन। कम से कम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर ₹10,000 प्रति माह मिलेंगे। मुद्रास्फीति सूचकांक, सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन। सेवा कर्मचारियों के मामले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPIIW के आधार पर महंगाई राहत। ग्रेच्युटी के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान। सेवा के प्रत्येक 6 महीने पूरे होने पर सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों वेतन जोड़ दिए का 1/10। इस भुगतान से सुरक्षित पेंशन की मात्रा कम नहीं होती। NPS क्या है? केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से परिभाषित लाभ पेंशन की मौजूदा प्रणाली की जगह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के रूप में जानी जाने वाली परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन प्रणाली शुरू की थी। NPS में एक सरकारी कर्मचारी अपने मासिक वेतन से पेंशन के लिए योगदान देता है और नियोक्ता भी उतना ही योगदान देता है। फिर इस राशि को पेंशन फंड मैनेजरों के माध्यम से निर्धारित निवेश योजनाओं में निवेश किया जाता है। UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम और NPS नेशनल पेंशन स्कीम दोनों में से क्या चुने? 23 लाख कर्मचारियों को फायदा, NPS और UPS का विकल्प। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS और नेशनल पेंशन स्कीम NPS में से किसी एक को चुन सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के मौजूदा NPS सब्सक्राइबर्स के पास UPS में ट्रांसफर करने का विकल्प होगा। राज्य सरकारें भी जल्द ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने का विकल्प चुन सकेंगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के अनुसार कैबिनेट सचिव पद के लिए मनोनीत टीवी सोमनाथन ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए हर 3 साल में एक एक चुरियल गणना की जाएगी कि देनदारी अधूरी न रह जाए, जैसा कि OPS के मामले में था।
जहां सरकार को कर्मचारी के योगदान के बिना पूरी देनदारी उठानी पड़ी थी। एल वैष्णव ने ये भी कहा कि 10 साल तक काम करने वालों को 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी, जिसमें मृतक सरकारी कर्मचारी की पेंशन के 60% के बराबर जीवन साथी को पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। हर 6 महीने की सेवा के लिए वेतन और महंगाई भत्ते डीए के 10% के बराबर सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान भी शामिल है। मंत्री ने कहा, 30 वर्ष की सेवा के बाद लगभग 6 महीने का वेतन सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त दिया जाएगा तथा स्पष्ट किया कि यह भुगतान ग्रेच्युटी से अलग होगा। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं तो 90 लाख कर्मियों को इसका फायदा मिलेगा। केंद्र का योगदान बढ़कर 18.5% कर्मचारियों पर इसका भार नहीं पड़ेगा। 10 वर्ष पहले तक कर्मचारी और सरकार 10-10% का योगदान देते हैं। हमारी सरकार ने योगदान बढ़ाकर 14% कर दिया था। यह अपने आप में बड़ा कदम था। अब केंद्र सरकार का योगदान बढ़कर 18.5% हो जाएगा। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। किन्हें मिलेगा फायदा? वित्त सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने कहा कि जो कर्मचारी 2004 से अब तक और आगे 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होंगे, वे भी यूपीएस के 5 बिंदुओं का फायदा ले सकेंगे। उन्हें एरियर्स भी मिलेंगे। जो राशि उन्हें मिल चुकी है उसमें से नई गणना के मुताबिक रकम एडजस्ट होगी। एरियर्स के लिए 800 करोड़ रुपये रखे गए हैं। ये योजना पूरी तरह वित्त पोषित है। केंद्र का पेंशन में जो योगदान बढ़ेगा उसके अतिरिक्त भार को वहन के लिए वार्षिक आधार पर 6,250 करोड़ रुपये रखे गए हैं। एरियर्स की गणना कैसे होगी? वित्त सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने कहा कि 2004 से अब तक 20 साल का वक्त गुजरा है। इस दौरान एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। इनका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। वे कब सेवा में आए, कब वे सेवानिवृत्त हुए, तब इन्हें रकम कितनी मिली है, ये सारी जानकारी हमारे पास है। अगर वे यूपीएस चुनते हैं तो उन्हें गणना के मुताबिक ब्याज जोड़कर जितना एरियर्स बनेगा उतना दिया जाएगा। यूपीएस के 5 स्तंभ। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर में भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के हवाले से कहा गया है कि यूपीएस के 5 स्तंभ अगले साल अप्रैल से लागू किए जाएंगे। क्या है वो 5 स्तंभ, आइए जानते हैं। यूपीएस के 5 स्तंभ योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। 1. 50% की सुनिश्चित पेंशन। यूपीएस अपनाने पर सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। इसकी रकम सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% होगी। 25 वर्ष तक की सेवा पर ही यह रकम मिलेगी। 25 वर्ष से कम और 10 साल से ज्यादा की सेवा पर उसके अनुपात में पेंशन मिलेगी। 2. पारिवारिक पेंशन। किसी भी कर्मचारी के निधन से पहले पेंशन की कुल रकम का 60% हिस्सा परिवार को मिलेगा। 3. न्यूनतम पेंशन। कम से कम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित होगी। महंगाई भत्तों को जोड़कर आज के हिसाब से यह रकम 15,000 रुपये के आसपास होगी। 4. महंगाई दर के साथ इंडेक्सेशन। उपरोक्त तीनों तरह की पेंशन यानी सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन के मामले में महंगाई राहत यानी डॉक्टर के आधार पर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन मिलेगा। 5. सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान। 6 महीने की सेवा के लिए वेतन जोड़ दिए कि 10% रकम का एकमुश्त भुगतान होगा। यानी अगर किसी की 30 साल की सर्विस है तो उसे 6 महीने की सेवा के आधार पर एकमुश्त भुगतान इमोल्यूमेंट होगा।